ऋषभ भाई समथिंग न्यू में आपका वेलकम है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही दुखदाई है। डलहौजी के जंगलों में आग लगी है। बकरोटा का जंगल, DPS का जंगल, पंचपुला का जंगल पूरा जल के राख हो चुका है। ये जंगल जिसमें मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम आग लगती हुई देखी है, क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पति है वो ओक और देवदार की है। यूजुअली इन जंगलों में आग नहीं लगती, फिर भी इन जंगलों में आग लगी है, जिसका कारण एक सूखा भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है तो पूरी वनस्पति सूख चुकी है। बीते 24 घंटे से डलहौजी के जंगलों में आग लगी है। जब मैं स्कूल से आ रहा था तो रास्ते पे देखा कि म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारी रास्ते में काउंटर फायर कर रहे थे। काउंटर फायर का मतलब है कि हम खुद ही पहले आग लगा देंगे, जो पत्ते है जो फ्यूल है उसको जला देंगे पहले ही इकट्ठा करके, ताकि जब जंगल की आग अपनी भयानक रूप में आए तो उसको बस कोई फ्यूल ना मिले, और जिससे कि काउंटर फायर आगे आग नहीं बढ़ेगी। ये जगह है बकरोटा की बैक साइड, जो परम धाम वाला रोड है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर तक भी, इस रोड को भी आग क्रॉस करके ऊपर रिहायशी इलाकों में भी आ गई थी। तो अभी भी सामने दूर जंगल में आग दिख रही है, और ये पूरा कल जल के राख हो चुका है। अभी भी म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारी यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं और आग को नियंत्रण कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं कि एक टाइम था कि जंगल बिल्कुल हरा भरा था, और आज ये बिल्कुल जल के राख हो चुका है। काफ़ी वनस्पति का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड यहाँ पे अभी भी है। मैं वापिस जब जा रहा था रास्ते में देखा कि DPS के नीचे अभी भी आग लगी हुई है। तो काफ़ी एक भयानक दृश्य है कि ऊपर इतना बड़ा स्कूल, नीचे आग लगी है। ये आग कभी भी ऊपर तक पहुंच सकती है, बट अभी ये आग रास्ते के साथ ही है। और पंचपुला के साइड में भी हम देख सकते हैं यहाँ से आग लगी हुई है। चलिए, उसके बाद मैं पंचपुला रोड की ओर गया। रास्ते में वही आग जो पंचपुला में लगी है और दूसरी DPS के नीचे लगी है, हम देख सकते हैं कि धुएं का जो गुब्बारा कितना बड़ा है। हम रास्ते में आगे बढ़ते गए। दूर से जो धुएं का गुब्बारा है वो दिख रहा है। दिन का टाइम था, हवा नहीं थी, इसलिए ये आग आहिस्ता चल रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन यहाँ हवा भी बहुत तेज चल रही है। बट ये बहुत ही लकी है कि हवा आग के टाइम पे नहीं है, अन्यथा इस नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसे रोक पाना असंभव है। चलिए, हमने रोड के साइड पे बाइक लगाई है और DPS के बिल्कुल नीचे पंचपुरा रोड पे हैं हम। आप देख सकते हैं कि रोड के बिल्कुल साथ आग लगी है, साथ में गांव के लोग भी यहाँ पे हैं। उनका कहना है कि वो आग को नीचे तरफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि आग अगर रोड क्रॉस के नीचे तरफ चलेगी तो वो गाँव की तरफ चले जाएगी आग। इसलिए गाँव के जो स्वयंसेवी हैं खुद आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऊपर पूरा जंगल जलता हुआ, इतना दयनीय ये दृश्य है जिसे देखना बहुत ही दुखदाई लगता है, क्योंकि इस आग में कई प्राणी मर रहे हैं, वनस्पति का नुकसान हो रहा है। हम फिर आगे बढ़े और एक चीज़ हमने नोटिस की कि ऊपर से पत्थर नीचे गिर रहे थे। आप देख सकते हैं कि धुएं का जो गुब्बारा कितना बड़ा है, पूरा जंगल जल रहा है, और इस तरफ दूसरी तरफ ही जंगल जल चुका है, जो पिछले कल से और कल रात को जला ही पूरा। हम पहुंच चुके सद्धारा, जो कि अब स्पोर्ट वापस रेनोवेट हो रहा है। तो ये पूरा स्पोर्ट जल चुका है। तो सद्धारा स्पोर्ट तक आग लगी थी, पूरे स्पोर्ट में आग लगी थी।
और फिर हम इसी रोड पे आगे चलते हुए ऊपर नीचे दोनों तरफ ही जंगल बिल्कुल जल चुका है कल का। हजारों क्या लाखों की संख्या में यहाँ पे जो जीव प्राणियों मरे होंगे। जिस तरफ देखो वहां पे इस बर्बादी के जो पीछे निशान है वो बचे हुए हैं। जंगल हरा भरा से काला हो चुका है। बस हर जगह सिर्फ दिख रहा है एक राख ही राख। फिर हमें कुछ ऐसा देखा, ये जो पक्षी हैं ये आमतौर पे जब भी हम इनके पास जाते हैं उड़ जाते हैं, पर इतने डर चुके हैं कि इस पेड़ से हम बिल्कुल साथ में खड़े हैं फिर भी भाग नहीं रहे हैं। इस आग के कारण इनको बिल्कुल डरा दिया है। मुझे सुनने को आया नीचे जंगली जो मुर्गे बोलते हैं उन्हें, जंगली जो जानवर हैं वो भी जल गए नीचे कुछ। एक मुझे बहुत ही ज्यादा एक चीज नजर आई जो कि काफी ज्यादा विचित्र है, आपस में सरप्राइज है। यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर के चारों ओर ऊपर भी नीचे भी आग लगी है। बस मंदिर का थोड़ा सा कोना है जिसमें आग नहीं लगी है, सिर्फ मंदिर को छोड़ के आगे पीछे पूरी आग लगी है। तो ये सनातन की शक्ति है, अभी भी जंगल में आग लगी हुई है कुछ एरिया में। हम बिल्कुल पंचपुला के पास में है और आग जलती हुई, अभी भी जंगल जल रहे हैं, जो बचे हुए जंगल है वो भी जल रहे हैं। ये जो जिस घास पे आग लगी है, मैंने जिंदगी में कभी भी ऐसे घास में आग लगते हुए नहीं देखी है, क्योंकि ये बहुत ग्रीन ग्रास होता है और इसमें आग लगना इम्पॉसिबल है। फिर भी आग लगी है, इसका रीजन ये है कि काफी टाइम से बारिश नहीं हुई है, जिससे कि बिल्कुल पत्ते सूख चुके हैं, जो पेड़ पौधे सूख चुके हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है कि इस जंगल में आग लगी है। आप देख सकते हैं कि पंचपुला जो मेन टूरिस्ट स्पॉट है डलहौजी शहर का, वो जलता हुआ, उसके आसपास का जंगल पूरा जलता हुआ। ये पंचपुला स्पॉट है और सामने पूरा जंगल जलता हुआ। हमें एक फोन आया है वापिस कि डीपीएस में आग जो हमने देखी थी वो ऊपर स्कूल तक पहुंच चुकी है। तो मैं वापिस स्कूल तक गया और अब सिचुएशन कितनी डरावनी हो चुकी है, आग बिल्कुल ऊपर तक आ चुकी है, बिल्डिंग के पास आ चुकी है। एसडीएम डलहौजी स्वयं खुद यहाँ पे स्पॉट पे है। पुलिस विभाग हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, अग्निशमक विभाग हो, वायुसेना के जो जवान है सब यहाँ पहुंच चुके हैं और उन सब ने आग पे कंट्रोल कर लिया लास्ट में। वनस्पति और जीव जंतुओं का बहुत बड़ी हानि हुई है यहाँ पे।